हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे चाइनीज पॉलिटिकल सिस्टम। लास्ट सेशन में हमने जो इसकी लेजिस्लेचर है उसको कंप्लीट किया एंड आज हम करेंगे चाइनीज एग्जीक्यूटिव, जो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है उसके रिगार्डिंग। और इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एग्जीक्यूटिव हेड है, वो होता है प्रेसिडेंट। तो आज हम जो प्रेसिडेंट ऑफ चाइना है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, इसके रिगार्डिंग करेंगे। कैसे इसको नॉमिनेट किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है, उसकी क्वालिफिकेशंस क्या है। तो प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, जो प्रेसिडेंट ऑफ चाइना है, इसकी क्या पोजीशन है, ये कौन होता है। ही इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कंट्री, मीन जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, इसका एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है, वो होता है प्रेसिडेंट। वो भी नॉमिनल हेड है, क्योंकि बाय कॉन्स्टिट्यूशन इसको बहुत सारी पावर्स दी गई हैं, लेकिन जो इसकी पावर्स है, वो पावर्स जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है और इसकी स्टैंडिंग कमेटी है, इसके अकॉर्डिंग ही यूज की जाती है। ही एक्सरसाइज हिज पावर्स अकॉर्डिंग टू द डिसीजंस ऑफ एनपीसी एंड इट्स स्टैंडिंग कमेटी। इसीलिए वो एक फॉर्मल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड बनकर रह जाता है। बाय कन्वेंशन वहां पर क्या है, जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी का जो प्रेसिडेंट की नॉमिनेशन है, इलेक्शन है, उस पर बहुत ही ज्यादा कंट्रोल होता है। तो प्रेसिडेंसी इज हेल्ड साइमल्टेनियसली बाय द जनरल सेक्रेटरी ऑफ सीपीसी, जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है, उसका जो जनरल सेक्रेटरी होता है, वो ही प्रेसिडेंट के लिए ही नॉमिनेट किया जाता है। 1990 से यही कन्वेंशन बन चुकी है कि जो सीपीसी का, कम्युनिस्ट पार्टी का जनरल सेक्रेटरी होगा, वो ही प्रेसिडेंट होगा। इस तरह कम्युनिस्ट पार्टी का प्रेसिडेंट के ऊपर बहुत ही ज्यादा कंट्रोल होता है। जो हु आल्सो सर्व एज द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, तो वो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन है, इसका भी चेयरमैन होता है। इस तरह जो एक प्रेसिडेंट है, वो एक टाइम पर 3 पोस्ट है उसको रोल प्ले कर रहा है। पहले प्रेसिडेंट का, देन जनरल सेक्रेटरी ऑफ सीपीसी का, थर्ड सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का। तो ये हो गया प्रेसिडेंट ऑफ चाइना। जो प्रेसिडेंट ऑफ चाइना है, इसके ऑफिस की हिस्ट्री क्या है, मीन्स इसको कब क्रिएट किया गया और कब अबॉलिश हो जाता है, तो इसकी रिगार्डिंग हिस्ट्री ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंसी है, प्रेसिडेंसी सबसे पहले इस्टेब्लिश की जाती है इन द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। तो इट इज इस्टेब्लिश वाज इन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन 1954। एंड इसमें जो कम्युनिस्ट पार्टी के सबसे प्रोमिनेंट लीडर थे माओ ज़ेडुंग, उनके द्वारा ही सक्सेसफुली हेल्ड की जाती है। इट मींस क्या हो गया, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बनते हैं, माओ ज़ेडुंग। उसके बाद वो क्या होते हैं, जो सेकंड चेयरमैन होते हैं वो कौन बनते हैं, लियो शाकी, फ्रॉम 1959 टू 68। जी पहले 5 इयर्स के लिए होते हैं, फिर जी 10 इयर्स के लिए बनते हैं। तो जी हो गए फर्स्ट चेयरमैन, जी हो गए सेकंड चेयरमैन। 1982 से पहले जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट को चेयरमैन कहा जाता था, लेकिन जो आज का प्रेजेंट का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको क्या कहा जाता है, इसमें चेयरमैन ना कहकर प्रेसिडेंट ही कहा जाता है। तो फर्स्ट चेयरमैन, उसके बाद सेकंड चेयरमैन होते हैं। लेकिन जब 1966 में कल्चर रेवोल्यूशन स्टार्ट की जाती है बाय माओ ज़ेडुंग, उस टाइम क्या होता है, जो सेकंड चेयरमैन होते हैं लियो शिकोई, दैट आर डिसग्रेस, लोग इनसे नफरत करने लग जाते हैं। और इसी बीच क्या हो रहा है, जो 68 थे, 68 में इनको अपनी पोस्ट से रिजाइन देना पड़ता है। और उसके बाद जो ऑफिस है वो वीकेंट हो जाते हैं, मीनिंग जो प्रेसिडेंसी है, प्रेसिडेंसी का ऑफिस वीकेंट है, इस पर कोई भी प्रेसिडेंट नहीं है। तो फ्रॉम 31st अक्टूबर 1968 से लेकर 24th फेब 1972 तक क्या होता है, जो चेयरमैन का ऑफिस है, ये वीकेंट रहते हैं। और उसके बाद भी कोई प्रेसिडेंट नहीं इलेक्ट किया जाता, बल्कि जो एक्टिंग चेयरमैन है
वही इलेक्ट किए जाते हैं डोंग पीवू, जो 1972 से लेकर जैन 1975 तक वर्क करते हैं। लेकिन इन बिटवीन क्या होता है, जो चेयरमैन है वो डिसग्रेस्ड पर्सन बन जाता है। इस तरह वहां पर जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, सेकंड चेयरमैन थे, इसके बिटवीन तो सब ठीक रहता है, लेकिन माओ ज़ेडोंग के बाद जब कल्चर रेवोल्यूशन स्टार्ट होती है उसमें सब कुछ चेंज हो जाता है। और उसके बाद 1975 में चाहे माओ ज़ेडोंग है वो उस टाइम प्रेसिडेंट नहीं थे, लेकिन वो पैरामाउंट लीडर थे, इसीलिए उन्होंने कल्चरल रेवोल्यूशन स्टार्ट की थी जो पावर को अचीव करने के लिए थी, दैट इज फॉर द स्ट्रगल फॉर पावर। और इसीलिए क्या होता है, जब उन्होंने नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, चाइना का फिर सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन बनता है इन 1975 में, उसमें क्या कर दिया जाता है, जो प्रेसिडेंसी है इसकी पोस्ट को ही खत्म कर दिया गया। तो प्रेसिडेंसी वाज अबॉलिश्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1975। और उसके बाद थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन बनता है 1978 में, इसमें भी प्रेसिडेंट की पोस्ट है इसको खत्म ही रखा जाता है, इसको रिवाइव नहीं किया जाता। लेकिन जब 1982 में नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है, इसमें रीइंस्टेट किया जाता है प्रेसिडेंसी, मीनिंग प्रेसिडेंट की पोस्ट को दोबारा से क्रिएट किया जाता है, लेकिन इस टाइम जो प्रेसिडेंट थी उसके पावर्स को रिड्यूस कर दिया गया। तो इस तरह जी होगी हिस्ट्री ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, कब इसको क्रिएट किया जाता है, इन बिटवीन इसकी पोस्ट को खत्म किया जाता है, 82 में दोबारा से इसकी पोस्ट को क्रिएट कर दिया जाता है। तो जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए उसकी क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, सो क्वालिफिकेशन फॉर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, इसके लिए क्या कहा गया है कि जो प्रेसिडेंट है वो चाइना का सिटीजन है, वो ही प्रेसिडेंट बन सकता है, एंड उसकी एज एटलीस्ट 45 ईयर्स होनी चाहिए, मीनिंग वो मैच्योर पर्सन होना चाहिए, वो कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग रखना चाहिए, और इसका नेम वोटर लिस्ट में होना चाहिए, मीनिंग अगर वो वोट कास्ट कर सकता है तो वोट कंटेस्ट भी कर सकता है, इसीलिए वो प्रेसिडेंट के लिए भी खड़ा हो सकता है। तो इस तरह जे होगी क्वालिफिकेशन फॉर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। अब क्वालिफिकेशन के बाद जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट को इलेक्ट कैसे किया जाता है, तो जो प्रेसिडेंट की इलेक्शन है वो इलेक्शन कैसे होती है, बाय नेशनल पीपल्स कांग्रेस, जो वहां की लेजिस्लेचर है वही प्रेसिडेंट को इलेक्ट करती है। लेकिन जो प्रेसिडेंट को नॉमिनेट करते हैं, नॉमिनेट कौन करता है, वो करती है नेशनल पीपल्स कांग्रेस प्रेसिडियम। इसमें क्या है, 178 मेंबर्स हैं, जिसमें बहुत ही पैरामाउंट सीनियर ऑफिसर्स आ जाते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के अदर ऑफिसर्स आ जाते हैं, जो भी कमेटीज हैं, कमीशन हैं, इनके मेंबर्स आ जाते हैं, वो ये आपस में मिलकर डिसाइड करते हैं कि प्रेसिडेंट के लिए किसको नाम नॉमिनेट करना है। लेकिन इसमें भी ये देखा जाता है कि जो जनरल सेक्रेटरी ऑफ सीपीसी है वो ही प्रेसिडेंट के नाम के लिए नॉमिनेट किया जाता है, क्योंकि जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट क्या होता है, जो कम्युनिस्ट पार्टी का जनरल सेक्रेटरी है वो ही होता है। एंड इस टाइम शी जिनपिंग है वो मार्च 2013 से क्या बनी हुई है, वो प्रेसिडेंट है, जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है जी इलेक्ट हुई थी, इसमें जे ही जी जिनपिंग है वो क्या हो जाते हैं, प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाते हैं। और जे क्या है, जो कम्युनिस्ट पार्टी है इसकी जनरल सेक्रेटरी भी है। तो जे होगी इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। नाउ टिनोर ऑफ द प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट की टिनोर है वो कितनी है, तो जो ड्यूरिंग माओ का इरा था, माओ के टाइम पीरियड में कोई भी टाइम लिमिट नहीं थी, उसको अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए इलेक्ट किया जा सकता था। लेकिन जो 1982 से लेकर 2018 तक का टाइम पीरियड है, इसमें क्या कहा गया, टू कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जा सकता है। तो जो वन टर्म है, वन टर्म 5 ईयर्स की होती है, तो इसका मीनिंग हुआ कि एक पर्सन को टू टर्म्स के लिए 10 ईयर्स के लिए प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट किया जा सकता है। लेकिन
जो चेक कंडीशन है 2018 में इस टर्म लिमिट को भी अबॉलिश कर दिया गया, तो अब चेक कंडीशन भी खत्म हो चुकी है, दोबारा से माओ ईरा वाली टाइम पीरियड है वो स्टार्ट हो चुका है। नाउ सक्सेसर ऑफ द प्रेसिडेंट, अगर मान लो प्रेसिडेंट का ऑफिस है किसी रीजन की वजह से वीकेंट हो जाता है, तो उसका सक्सेसर कौन होता है? इन केस ऑफ वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, जो वाइस प्रेसिडेंट है ही अज्यूम्स द ऑफिस फॉर रिमेनिंग टेन्योर, जितना टाइम रह गया उस टाइम पीरियड के लिए वाइस प्रेसिडेंट ही इस ऑफिस को अज्यूम करता है, ही एक्ट्स एज अ प्रेसिडेंट। एंड मान लो अब क्या है, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट दोनों का पोस्ट है, वो पोस्ट ऑफिस है वीकेंट है, इस कंडीशन में क्या होगा? इफ द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट आल्सो वीकेंट, देन चेयरमैन ऑफ द एनपीसी स्टैंडिंग कमेटी ही एक्ट एज टेम्परेरी प्रेसिडेंट। तो एनपीसी स्टैंडिंग कमेटी है, इसका चेयरमैन ही क्या होता है? टेम्परेरी प्रेसिडेंट होता है। और इस टाइम जो एनपीसी स्टैंडिंग कमेटी है जी क्या करती है, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट है इसकी इलेक्शन को कंडक्ट कराती है। तो इस तरह सक्सेसर ऑफ द प्रेसिडेंट हो गया। तो जी होगी बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रेसिडेंट। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे प्रेसिडेंट की पावर्स एंड पोजीशन। होप सो कि आपको जी सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।